Thank you. Namaskar, Sadhguru. Respected Chief Guest, Zilla Parishad Chairperson, Madam. Guest of Honor, Namjoon Sir. Special Guest, DDM Nabard, CEO, Mosab. और हमारे लाइन डिपार्टमेंट से आए हुए सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारा गांव बुरास कुदुम्बश्री एनआरओ टीम के ओर से जो हमारे साथ आज यहाँ इस ओकेजन पे मौजूद सभी टीम मेंबर्स, मेरा प्यारा एसएचजी माँ और दीदी लोग एंड माय डियर एसआरएलएम कलीग्स, आप सभी को मेरे तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे का शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहम्मद बसर है और मैं एयर एसआरएलएम अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हूँ। मेरा पोस्टिंग रोइंग में है और रोइंग में रोइंग डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट से हम लोग सपोर्ट करते हैं हमारे सभी ब्लॉक्स जो ईस्टर्न अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि आपका दिबांग वैली से लेके हमारा मोहित हवाई वॉलोंग, ये सारा डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे हमारे ब्लॉक्स हैं, जितना हमारा सेंटर ग्रुप दीदी है, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है। तो वैसे मेरे आने से पहले आज बहुत ही अच्छे से हमारा उमंग सीएलएफ का सेक्रेटरी दीपिका सोनवाल दीदी ने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताया कि आज कल यानी कि आज हम लोग क्यों इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे शुरू हुआ। और बहुत ही अच्छे से दीदी ने ये भी बताया आप लोगों को एसएचजी में आके एसएचजी में रह के उनका जो जर्नी है, और जैसे उसके बाद हमारा चीफ गेस्ट मैडम ने, गेस्ट ऑफ ऑनर सर ने और हमारे डीएम नबार्ड सर ने, सभी ने बहुत अच्छे से आप लोगों को एनकरेज किया, आप लोगों को अप्रिशिएट किया, ये सब सुन के हमको भी आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आज हमारा मिशन का बारे में तो ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास आज नहीं है, लेकिन आज का इस ओकेजन को, इस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज़ करना चाहती हूँ आप लोगों को मेरे तरफ से फ्रॉम एसआरएलएम टीम साइड। आप सभी जितना माँ दीदी बहन लोग यहाँ बैठा हुआ है, हमारा पिताजी लोग भी है, गाँव बुढ़ा लोग भी है और जो भी है हमारा गाँव से, सभी को हम अप्रिशिएट करना चाहता है कि ये सब ऑल तो हम लोगों का टीम ने बहुत मेहनत किया। और जैसे कोमोडोर सर ने भी बोला था कि हम लोग कन्वर्जेंस में नमसाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही प्रोएक्टिव सपोर्ट रहा है लाइन डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जितना भी कन्वर्जेंस का प्रोएक्टिव सपोर्ट हो, डिपार्टमेंट का साथ हो, पब्लिक लीडर्स का साथ हो, लेकिन अगर आप लोग भी आगे नहीं आता आगे बढ़ने के लिए और अपना गांव का डेवलपमेंट के लिए, ये सारा काम आज जो आप लोग कर रहा है ये करने के लिए आपका अगर नहीं आगे आता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए आज मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ सभी एसएचजी मेंबर्स जो ऑलमोस्ट हमारा नामो सीएलएफ और उमंग सीएलएफ के मेंबर्स हैं, आप सभी को बधाई, इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, ये सब देख के हमको भी बहुत पर्सनली बहुत खुशी मिल रहा है आज का दिन। एंड दूसरा, मैं आज का आज इस अपॉर्चुनिटी को इस ओकेजन का अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ वंस अगेन हमारा जो पब्लिक लीडर्स है, नामसाई का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा स्पेशली आर डी डी एम नबार्ड, सभी ने बहुत इनका सर का बहुत तारीफ किया है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से भी और एक बार इनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे लगता है कि सर, हमारा कोमोडोर सर इसको अपना कोई ड्यूटी समझ के सिर्फ नहीं कर रहा है, हमारा हमको जो जो भी सपोर्ट दे रहा है हमारा एसएचजी दीदी को, मुझे लगता है कि सर इसको, जैसे सर ने बताया कि वो अरुणाचल में ही जन्मा है, बड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि सर एक पर्सनल मिशन, एक पर्सनल कमिटमेंट के साथ हम लोगों को सपोर्ट दे रहा है। तो इसीलिए आप लोग सभी से भी मेरा निवेदन है कि जितना भी हमारा लीडर्स का सपोर्ट है, जितना हमारा कन्वर्जेंस में जो लाइन डिपार्टमेंट सपोर्ट देते हैं, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए और हम लोगों का
अभी आपका नामसाई का 7th ईयर जर्नी है, जब से एसआरएलएल में यहाँ आपने अपना काम शुरू किया, चौका में हमारा 6th ईयर चल रहा है। तो कभी कभी हम लोग को लगता है कि ये वीकली मीटिंग करते करते और ऑडियंस में जो हमारा पिताजी लोग बैठा है वो लोग भी शायद बहुत परेशान हुआ है कि मीटिंग पे मीटिंग होता है, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग होता है, ये क्या चल रहा है। और दीदी लोग को भी काफ़ी बार परेशानी भी होता है कि हम लोग इतना कुछ कर रहा है लेकिन कुछ फायदा भी नहीं है, ये सवाल भी आता है सभी का मन में। लेकिन फिर भी आप सभी को हम यही बोलना चाहेंगे कि हम आप लोगों का जो मेहनत है उसका रिजल्ट आज का दिन जैसा ऐसा ओकेशन में देखने मिलता है, जब आप लोग खुद अपना इनिशिएशन से अपने आप से ऐसा प्रोग्राम आप लोग इतना सुंदर से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। आज हम लोग आप लोगों का मेहनत का सारा फल देखने को मिलता है, जब आप लोग पब्लिक लीडर्स से जाके अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जाके आप लोग बोल रहे हैं कि इस बार हम लोगों ने ग्राम सभा में इस टाइप का प्लानिंग बनाया है, ये आप लोग प्लीज हमारा ग्राम सभा डेवलपमेंट प्लान में प्लीज इसको इंक्लूड कीजिए। आज आप लोग खुद अपना कुछ भी ट्रेनिंग बैंक से आप लोग फाइनेंशियल लीकेज ले रहा है, बैंक से आप लोग लोन ले रहा है, और ऐसे कई सारा ग्रुप है जिसने अभी 3rd time भी बैंक से लोन लिया हुआ है। आपने बैंक का साथ इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिपेमेंट किया तो बैंक को भी ट्रस्ट हुआ कि हमारा ऐसे चीज़ को हम लोगों को और लोन देना चाहिए, इनके ऊपर हम लोगों को और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारा विश्वास को आप लोग आगे लेके जाइए, हमारा जर्नी अभी बहुत और बहुत ही आगे जाना है। तो हम आप लोग सबका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, प्रोग्राम भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो मेरा तरफ से आज मेरा प्यारा दीदी लोग के लिए हम एक पोएम बोल देगा, हिंदी में कविता बोल देगा। उड़ो कि उड़ान में तुम्हारी आसमान तक सिमट जाए, गर्जो कि धरती की रूह भी सिमट जाए, मुल्क की शान हो तुम, घर का सम्मान हो तुम, लाखों से अम्मा तक खुद में एक पहचान हो तुम, नारी। जय हिंद।